Good evening everyone. So today we will start with dividend decision. This is one of the important decision which a company's financial person takes. One of the important decision, like we have seen in our earlier classes, financing decision, which source to borrow, right? Debt equity combination, then where to invest, capital budgeting. ऐसा प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है जहां से कि हमको कम से कम जितना मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल उतना तो रिटर्न आए. माय रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी मोर देन माय कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट फाइनेंसिंग डिसीजन, वी हैव टॉक्ड अबाउट इन्वेस्टिंग डिसीजन, वेयर टू इन्वेस्ट द मनी. देयर आर सो मेनी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, रिस्क रिटर्न एनालिसिस. किसी प्रोजेक्ट में रिटर्न ज्यादा है बट रिस्क भी ज्यादा है, किसी प्रोजेक्ट में रिस्क कम है बट रिटर्न ज्यादा है, तो वैसा प्रोजेक्ट हो जो कि जिसमें रिस्क कम है एंड रिटर्न ज्यादा है. तो फाइनेंसिंग डिसीजंस होता है, इन्वेस्टिंग डिसीजंस होता है, वर्किंग कैपिटल डिसीजंस होता है एज टू हाउ मच अमाउंट इज नीडेड इन ऑर्डर टू कैरी आउट डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस. वैसे ही डिविडेंड डिसीजंस होता है. सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द फाइनेंशियल पर्सन as to what amount of dividend or what percentage of your earned profit should be given to the shareholder by way of dividend. तो इसमें इसका जो डिस्कशन का जो मुद्दा है, it cannot be with respect to one single point. हम लोग को मल्टीपल एंगल से सोचना पड़ेगा कि डिविडेंड देना चाहिए कि प्लाउ बैक करना चाहिए. दो ही ऑप्शन है, राइट डिविडेंड डिसीजन जो मैं बात कर रहा हूं, द डिसीजन इज रिगार्डिंग whether profit earned by the company should be distributed to shareholders as dividend or retained by the company for reinvestment. इसको बोलते हैं अपने प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, राइट. तो जब भी मैं डिविडेंड डिसीजन का बात करूंगा तो मेरे माइंड पे ये पॉइंट आएगा कि मेरे को डिविडेंड देना चाहिए शेयर होल्डर की क्यों नहीं देना चाहिए. जनरली लोग बोलेंगे कि जो भी बंदा पैसा इन्वेस्ट करता है, वेन एवर मनी इज इन्वेस्टेड इन टू द बिजनेस, द पर्सन हु हैज इन्वेस्टेड द मनी will always expect some kind of return. आज मैंने कहीं पर भी, मैं अगर कहीं पे FD करता हूं किसी बैंक में, तो मैं उम्मीद करूंगा कि बैंक वाला मेरे को इंटरेस्ट दे. तो जनरली कैसा होता है, इंटरेस्ट आप हर साल ले सकते हैं या आप उसको एक साथ 4 साल बाद मैच्योरिटी पे लेंगे. तो हर साल जो इंटरेस्ट होता है वो आपका रीइन्वेस्ट होता है. तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आपको डिविडेंड ले लेना है. कंपनी ने, आपने कंपनी में 1000 रुपया लगाया, कंपनी बोलती है हम लोग 1000 रुपया पे 20 रुपया 200 रुपया कमाया, तो आपको ये 200 रुपया दे दे क्या? आप बोलेंगे हाँ दे दीजिए, मैं 200 रुपया को कहीं और लगाऊंगा. या कंपनी बोलेगी मैं 200 को खुद अपने पास रख लेता हूं, तो अगले साल हम लोग 1200 रुपया से धंधा करेंगे. 1000 पहले का था, 200 जो कमाया वो रिटेन कर लिया. तो कहीं पे भी जब रिटेंशन का बात आएगा तो ग्रोथ का बात आएगा. इफ आई इन्वेस्टेड, आई एम टेकिंग विड्रॉइंग द प्रॉफिट्स. When I invest, रिटर्न आएगा, उस रिटर्न को अगर मैं विड्रॉ कर लूंगा तो ग्रोथ बोल के कोई चीज नहीं होगा, राइट. तो इसमें दो ऑप्शन है. पहला ऑप्शन, प्रॉफिट अर्न्ड इज विड्रॉन बाय शेयर होल्डर, मतलब डिविडेंड बांट दिया और एक होगा प्रॉफिट अर्न्ड इज रिटेन्ड बाय कंपनी। तो यहां पे क्या है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, यहां पे शेयर होल्डर हिमसेल्फ विल ग्रो द मनी। अगर मैंने तुमको डिविडेंड दे दिया तो तुम ग्रो करोगे अपना पैसा को। सर पैसा ग्रो करने का बात क्यों हो रहा है यहां पे? मुद्दा तो यह था कि डिविडेंड देना है कि नहीं देना। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल पर्सन, अकाउंटेंट का काम क्या होता है? अकाउंट्स अपडेट करना, जितना भी ट्रांजैक्शन हो गया उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करके पीएल बैलेंस शीट बनाना। ऑडिटर का काम क्या होता है? शेयर होल्डर पैसा लगाया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम कर रहा है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम कर रहा है, वही अगर अपना पीएल बैलेंस शीट बनाएगा तो वो मैनिपुलेशन कर सकता है उसमें, इसलिए ऑडिटर आके उसको वेरीफाई करता है कि जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया है वो सही बनाया, इसमें कुछ भी गलती नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई स्कैम नहीं है। एचआर टीम का काम किया है मार्केट से अच्छा अच्छा आदमी लोग को उठा के लाके जॉब में रखना। यस और नो? तो जो फाइनेंस पर्सन है, जो कंपनी का फाइनेंशियल मैटर देख रहा है, फाइनेंसिंग डिसीजन लिया, अच्छा अच्छा सोर्स से बोरो किया, वहीं सोर्स से बोरो के ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है और वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ऑब्जेक्टिव है हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, शेयर होल्डर का वेल्थ को बढ़ाओ, मनी को ग्रो करो। तुम करो चाहे शेयर होल्डर करे, खुद फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारा सोच किस चीज पे निर्भर करता है उससे फर्क पड़ता है। कंपनी खाली प्रॉफिट के बारे में सोच रहा, अपना प्रॉफिट, कंपनी का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। हालांकि उसको आर्टिफिशियल जुडिशियल बॉडी का दर्जा दिया गया है, बट कंपनी का मेन मालिक शेयर होल्डर है। तो आई हैव टू एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर का इंटरेस्ट बोलता है वेल्थ को बढ़ाओ, वेल्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय शेयर प्राइस। ऐसा डिसीजन लो जिसे कंपनी का शेयर प्राइस ग्रो करे। हमने कमाया, उस प्रॉफिट को हमने रिटेन कर लिया, उस रिटेन्ड प्रॉफिट पे भी कमाया, धंधा को बढ़ाया, शेयर प्राइस ग्रो करेगा। लेकिन हमने कमाया, उस प्रॉफिट को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं शेयर होल्डर को, तो शेयर प्राइस ग्रो तो नहीं करेगा, करेगा क्या? इस केस में तो ग्रो नहीं करेगा। बट शेयर होल्डर को डिविडेंड देना यह भी एक सही डिसीजन है, क्योंकि अगर कंपनी अपने पास रखेगी, कंपनी के पास में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है, या उस रेट से नहीं है जिस रेट से शेयर होल्डर लोग का उम्मीद है। तो डिविडेंड देना ना देना कंपनी देखेगी किसके पास में बेटर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि माय अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, पैसा को ग्रो कराना है। इफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको अपने स्मॉल आर बोलेंगे, is greater than एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयरहोल्डर का मालूम है ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोला जाता है। अगर मैं ज्यादा रेट से कमा के दे रहा हूं तो रिटेंशन करूंगा, मैं डिविडेंड नहीं बांटूंगा। लेकिन अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम है एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयरहोल्डर से, तो बेटर है उसको रिटेन मत करो, क्योंकि अगर तुमने रिटेन कर लिया तुम उस एक्सपेक्टेशन से शेयरहोल्डर को कमा के नहीं दे पाओगे, तो शेयर प्राइस फॉल हो जाएगा। हाँ या ना? तो बेटर उसको गिरने से बचाओ, डिविडेंड दे दो। तो ये वाला केस बोलता है 100% रिटेंशन, ये वाला बोलता है 100% पे आउट, डिविडेंड पे आउट। जो भी कमाया डिविडेंड बांट दो, जो भी कमाया रिटेन कर लो। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है दोस्त। 100% रिटेंशन कैसे करोगे बताओ, पॉसिबल है? उसका घर चलाने के लिए उसको कुछ तो देना पड़ेगा, उसके बाद और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है शेयर होल्डर के पास। सो डिविडेंड डिसीजन एक कला है, हर जन का बस का बात नहीं है। दिमाग में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन रखना है, शेयर होल्डर का पैसा को ग्रो करवाना है, वो खुद करवाए कि तुम करवा के दो, बात एक ही है। कभी ये मत सोचो कि तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है। अगर मैं तुम्हारा उम्मीद पे खड़ा नहीं रह पा रहा हूं तो बेटर है कि मना कर दो rather than trying। तो अगर कंपनी जिस रेट से कमा रही है वो ज्यादा है शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन से, तो रिटेंशन करेंगे हम लोग। कंपनी का रेट ऑफ अर्निंग, स्पीड ऑफ अर्निंग कम है एज कंपेयर टू शेयर होल्डर एक्सपेक्टेशन, बेटर है डिविडेंड दे दो। हालांकि 100% रिटेन करना पॉसिबल नहीं है, उसको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। 10% 20% दे दो, मिनिमम एक चाहिए ना उसको घर चलाने के लिए। हां, अगर वो कहीं नौकरी कर रहा हो, उसने इन्वेस्टमेंट किया हो, तो अलग अलग टाइप के शेयर होल्डर होंगे, सबका परसेप्शन अलग अलग होगा। ये तो मैं खाली एक मुद्दा डिस्कस कर रहा हूं। मान लो कंपनी बोलती है हमारे पास में बेटर अपॉर्चुनिटी है, हम आपका वेल्थ को बढ़ा के देंगे, हम आपका सब कुछ करके देंगे, आपका पैसा को आसमान ले जाएंगे, आप डिविडेंड मत मांगिए, लेट अस रिटेन द प्रॉफिट्स, लेट अस प्लाउ बैक द प्रॉफिट्स, आई विल गिव यू गुड रिटर्न्स। बोला आज अगर खाएंगे नहीं, कल का सूरज देखने के लिए जिंदा रहना पड़ेगा, उसके लिए खाना जरूरी है, तो कुछ डिविडेंड दो। कोई बोलेगा नहीं हमारे पास दादा परदादा हमारे बहुत देके गए हैं, ये मेरा सरप्लस मनी मैंने इन्वेस्ट किया है, पैसा तो मेरा घर कहीं और से चलता है, उसका सोच अलग होगा। ये सब छोड़ो, इनकम टैक्स का बात कर लेते हैं। पहले डिविडेंड एग्जेम्प्ट हुआ करता था, तो लोग बोलते थे ठीक है डिविडेंड दे दो, क्योंकि अगर तुम डिविडेंड ले लोगे हर साल तो शेयर उस स्पीड से ग्रो नहीं करेगा। तो जब तुम बेचोगे, कैपिटल गेन बोल के एक इनकम होता है, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, अगर तुम हर साल डिविडेंड ले लोगे, if you take dividend every year, the share won't multiply that much, it means capital gain will be low. तो dividend exempted है, capital gain low मतलब टैक्स भी कम आएगा, दिया है। एंड डिविडेंड इनकम इज इंक्लूडेड इन योर टोटल इनकम, उस पे हाई रेट ऑफ टैक्स लग रहा, तुम 30% टैक्स ब्रैकेट में हो। तो अगर तुम डिविडेंड ले लोगे तो इन दैट केस यू आर पेइंग हाई रेट ऑफ टैक्स ऑन दैट डिविडेंड इनकम, शेयर होल्डर के लिए तो इनकम है। और अगर मैं डिविडेंड ना लूं तो मेरा शेयर प्राइस ज्यादा ग्रो करेगा, देयर विल बी ह्यूज कैपिटल गेन। कैपिटल गेन पे टैक्स रेट कम है एज कंपेयर टू इनकम टैक्स। किसी भी कंट्री का टैक्स लॉ उठाओ, यूएस, यूके, इंडिया, कैपिटल गेन पे टैक्स रेट कम है एज कंपेयर टू डिविडेंड इनकम। इन्वेस्टर परसेप्शन, टैक्सिंग अथॉरिटी, तो जैसा कंट्री का टैक्स का नॉर्म्स है उसके बेसिस पे भी डिविडेंड डिसीजंस लिया जा सकता है। राइट? मेरे को एक ब्रांच खोलना है, उसके लिए मेरे को फंड्स की आवश्यकता है। मेरे को एक ब्रांच खोलना है, उसके लिए फंड्स की मेरे को आवश्यकता है। मेरा अलमारी में 2 करोड़ रुपया रखा हुआ है, मैंने डिविडेंड नहीं बांटा। व्हाट शुड आई डू? मेरे को नया ब्रांच के लिए मेरे को जो पैसा चाहिए, मैं तो रिटेन अर्निंग्स को यूज करूंगा ना, कि बोरो करूंगा। तो कंपनी का फर्दर रिक्वायरमेंट्स क्या है ये देखो। अगर कंपनी का फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है, उसको पैसा चाहिए, इफ कंपनी नीड्स मनी फॉर एक्सपेंशन, रिटेन अर्निंग कैन बी वन ऑफ इट्स सोर्स ऑफ फंडिंग, बिकॉज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल यू हैव सीन इक्विटी, डिबेंचर, प्रेफरेंस, रिटेन अर्निंग इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ फाइनेंस। रिटेन अर्निंग भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस हो सकता है। Tax norms, reinvestment strategy, who can make more better use of money, future requirements, कंपनी सालों से क्या डिविडेंड देती आ रही है। बहुत जन क्या करते हैं, डिविडेंड पॉलिसी बना लेते हैं, तो उस डिविडेंड पॉलिसी को मेंटेन करने का चक्कर में प्रॉब्लम होता है। इसलिए बहुत जन डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व भी बनाते हैं हर साल, कि किसी साल अगर हम उतना कमा नहीं पाए तो डिविडेंड देना पड़ेगा स्टेबल, उसको तो रिजर्व से निकाल के दे देंगे। कई बार ऐसा भी होता है डिविडेंड देने के लिए पैसा ही नहीं है, अरे प्रॉफिट तो है, पैसा नहीं है। मे बी दैट इन बुक्स देयर इज प्रॉफिट बट यू हैव परचेज सम नॉन करेंट एसेट, और मे बी यू हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, अभी तक पैसा आया नहीं है। तो इन दैट केस यू कैन चेंज द फॉर्म ऑफ गिविंग डिविडेंड, instead of going for cash dividend you can give them stock dividend, that is bonus shares free of cost। तो dividend देना है नहीं देना है, investment पे कौन कितना कमा पाएगा, this is one of the factor, who can make more better use of money, this is one of the factor, but there are several other factors also। you don't have liquid cash, go for stock dividend, टैक्सिंग ऑथोरिटीज, फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना। तो काफी सारा फैक्टर्स है जिसको ध्यान में रख के अपने डिविडेंड डिसीजंस लेते हैं। एज फार एज आवर न्यूमेरिकल्स आर कंसर्न्ड, इट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन दीज टू कॉन्सेप्ट्स। राइट? सो अगेन यहां पर भी देयर आर थ्योरीज, जैसे अपना कैपिटल स्ट्रक्चर में था तो यहां पर भी देयर आर थ्योरीज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स फॉर डिविडेंड पॉलिसी, आई टोल्ड यू टैक्सिंग है, देन फ्यूचर रिक्वायरमेंट है, शेयर होल्डर का परसेप्शन है, राइट, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, कौन कितना बेटर यूज ऑफ मनी कर सकता है, राइट। दीज आर द सेवरल factors which needs to be considered when you plan regarding dividend decisions, right? So I am not discussing about those things, right? Let us talk about dividend theories, right? Dividend models. There are again two schools of thoughts here. Linking of dividend decision with share price. Linking of dividend decision with share price. तो इसमें एक है थ्योरी ऑफ रेलिवेंस, राइट? मतलब जैसा आपका डिविडेंड डिसीजन होगा आपका शेयर प्राइस इफेक्ट होगा, सिंपल। तो यहां पे दो मॉडल हम लोग पढ़ेंगे, एक हम लोग पढ़ेंगे वॉल्टर्स मॉडल दूसरा हम लोग पढ़ेंगे गॉर्डन्स मॉडल। ठीक है, और एक है थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस। ये बंदा एकदम अलग है, बोलता आप डिविडेंड डिसीजन कैसा भी रखिए, मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच। ये बंदा एकदम क्लियर है, एकदम क्लियरली बोल दिया, बोलता आप डिविडेंड दीजिए मत दीजिए, वैल्यू ऑफ द फर्म विल बी कांस्टेंट, मतलब शेयर प्राइस। डिविडेंड डिसीजन is independent of value of firm. Pardon? आप डिविडेंड दो मत दो, वैल्यू ऑफ फर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट? एंड हियर यू नीड टू नोट वन थिंग, आर ग्रेटर देन के ई 100% रिटेंशन, बिकॉज कंपनी can make more better use of money. R less than %100 payout. Any dividend policy you can go for, because share price will be constant. इसको हम लोग ग्रोथ फॉर्म बोलते हैं, इसको हम लोग डिक्लाइनिंग फॉर्म बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। आर एंड के ई रेलिवेंट है डिविडेंड पॉलिसी के लिए कि डिविडेंड देना है नहीं देना है कितना देना है, आर एंड के ई का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो पहले हम लोग वॉल्टर मॉडल करेंगे। वॉल्टर मॉडल में जो शेयर प्राइस है ना, D प्लस वॉल्टर मॉडल शेयर प्राइस का ये फॉर्मूला बताया है। बोला कुछ भी डिविडेंड पॉलिसी रखो ये मैक्सिमम होना चाहिए शेयर प्राइस। मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट मतलब क्या रेट है बोलो? केई ना, Is it fine? Solution. पहले हम डिविडेंड पे आउट 25% लेंगे। तो डी कितना आएगा? 25% of what? अर्निंग्स। पे आउट हमेशा एज अ परसेंटेज ऑफ अर्निंग्स होता है। तो 25% ऑफ 16 तो डिविडेंड ₹4 हो गया। है ना P0 4 प्लस R कितना है 0.1 10% मतलब 0.1 0.125 16 minus 4 पहले न्यूमरेटर सॉल्व करो आराम से। ये वाला सॉल्व करके कितना आ रहा है 109 is the share price. ठीक है 25% डिविडेंड देने से। पे आउट अगर 50 होगा तो डी कितना आएगा हाउ मच 8 कॉन्सेप्ट समझना तो समझो, कैलकुलेशन नहीं समझाएंगे। अच्छा हाँ ठीक है, इट विल बी 8 क्योंकि डिविडेंड तो यहाँ पे 8 है। सो इट विल बी 8 है ना, तो उसी हिसाब से चेंज होगा। वेरी गुड। कितना? डिविडेंड पे आउट बढ़ाने से शेयर प्राइस बढ़ाना, ऐसा क्यों हो रहा मालूम है? क्योंकि यहां पे आर लेस देन के ही है, मतलब शेयर होल्डर कैन मेक मोर बेटर यूज ऑफ मनी। ऐसी बढ़ाइए। शेयर होल्डर कैन मेक मोर बेटर यूज ऑफ मनी, $75% वाला पे आउट में और ज्यादा आएगा। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं। शेयर प्राइस देखो ग्रो करता ही जा रहा है, तो ज्यादा पे आउट देना चाहिए। तो यहां पे एक अपने को पूछता है ऑप्टिमम पे आउट बताओ। ये तो पहले पूछा कि सबका अलग अलग शेयर प्राइस बताओ। शेयर प्राइस 25 में कितना, 50 में कितना, 75 में कितना बता दिया। तो सबसे हाई इसमें आ रहा है, क्योंकि शेयर होल्डर के पास में बेटर अपॉर्चुनिटी है, तुमसे बेटर है। वो लोग मांगेगा कुछ, तुम उनको कमा के कम दोगे, तो ऑटोमेटिकली इट विल लीड टू फॉल इन शेयर प्राइस। तो बेटर उसको गिरने से बचाओ। तो बेटर क्या है अपने लिए? नोट, सिंस आर इज लेस देन के ई, इट इज बेटर टू गिव 100% डिविडेंड पे आउट। तो डी कितना आएगा? 100% ऑफ 16 इज 16, देयरफॉर शेयर प्राइस इक्वल्स टू 16 प्लस 16। ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो। तो 16 प्लस जीरो बाई सबसे ज्यादा आया ना, ये पूछता है कई बार ऑप्टिमम पे आउट। अगर खाली शेयर प्राइस निकालने बोला है तो अलग अलग पे आउट का खाली शेयर प्राइस निकाल के आ जाएंगे। लेकिन कमेंटिंग भी बोलता है कि 75% में शेयर प्राइस ज्यादा क्यों आया, 25 में क्यों नहीं, क्योंकि यहां पे RKE से कम है, कंपनी कम रेट से कमा रही है, शेयर होल्डर का मांग ज्यादा है, इसलिए पे आउट ज्यादा करने से शेयर प्राइस ज्यादा आएगा। पे आउट पूरा कर दो, देखो ऑप्टिमम पे आउट, और ऑप्टिमम पे आउट में ये शेयर प्राइस है 128। अब अगर तुम डिविडेंड दोगे तो गिरता जाएगा, कम डिविडेंड अगर कम दोगे तो गिरता जाएगा। 100 देने से 128, 75%, मतलब तुम कुछ रिटेन किया, क्यों किया रिटेन, तुम्हारे पास बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं, फिर भी तुम रिटेन किया, इसलिए शेयर प्राइस कम हो गया। 50% तुम आधा आधा रिटेन कर लिया और कम हो जाएगा, 25 मैक्सिमम रिटेन किया और कम हो जाएगा। ठीक है, इसको रिवाइज करेगा, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू करेंगे। बाय।